हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं काफी सारे मिथ्स को ट्राई करने आ रहा हूँ। मिथ यानी वो जो कि काफी पुराने सालों से बात चलती आ रही है कि वो सच है, बट रियल में उसका किसी को नहीं पता कि ये सच होती है झूठ, झूठ यानी फर्जी। और गाइस, इन मिथ को ट्राई करने के लिए मैंने अपने एक प्रिय मित्र यानी अपने दोस्त को बुलाया जिसका नाम है विनय, ये हमारी पुरानी काफी सारी वीडियोस में आया हुआ है। और गाइस, हमारी वीडियो के अंदर जो भी मिथ सही होंगे उन्हें हम बोलेंगे कंफर्म, और जो भी मिथ हमारे खराब होंगे यानी कि बेकार जो काम नहीं करेंगे उन्हें हम बोलेंगे बस। तो चलिए बने किसी तरीके पहले मिथ को ट्राई करते हैं। तो गाइस, जो हमारा पहला मिथ है वो है कि जूते हमेशा उड़ाने पर सीधे ही गिरते हैं। क्या लगता है, ये मिथ सही होने वाला है? गलत। तो मेरे दोस्त का कहना है कि मिथ गलत है और मेरा कहना है तो सही है। तो जूते तो एक्स्ट्रा है नहीं, तो हमें अपने उतारने पड़ेंगे। तो चलो दोनों जूते को एक बार उड़ा के देखते हैं, क्या ये मिथ रियल में सही है या फिर गलत। ये तो थोड़ा अलग सा हो गया, मतलब कि एक जूता टेढ़ा गिरा है, एक जूता सीधा गिरा है। पता चल गया है कि ये मिथ हमारा गलत है और इस मिथ को वाइज करते हैं हम बस, और चलते बिना किसी देरी के अपने नेक्स्ट मिथ की तरफ। तो गाइस, सेकंड मिथ है हमारा कि हम थ्रेड और कप की मदद से एक दूसरे से बात कर सकते हैं, यानी कि हम दो कप को आपस में थ्रेड से बांध लेंगे, उसके बाद कान लगाएगा एक बंदा और एक बंदा माइक से बोलेगा। तो अगर ऐसा होगा तो हम दोनों आपस में बात कर पाएंगे। मेरे हिसाब से तो गाइस ये मिथ सही होने वाला है, क्योंकि ना बचपन में ऐसा काफी बार कर रहा है, बट बचपन और अब में फर्क होता है। तो ट्राई करते हैं इसे, क्या ये सच है या फिर झूठ। इसे पकड़। तो सबसे पहले इसके लिए हमें इसके अंदर छेद करना पड़ेगा, जिसके लिए हम अपना यंत्र लाए हैं माचिस। सबसे पहले इसके अंदर हमें छेद करना है जो कि हो गया है, बस हमें धागे को इससे बांधना है, और इसी के संग हमारा ये पहला रेडी हो चुका है। इसे हमें इसके अंदर डालना है। तो अभी हमारा एक अटक चुका है, ऐसे दूसरा करते हैं और फिर सीधा अपने मेथ को ट्राई करते हैं। तो दोनों तरफ से हमारा डन हो चुका है, ये कुछ ऐसा लग रहा है। अब आगे चलता रहेगा ये, और देखते हैं कि कितने दूर तक का धागा ये। तो हमारी कुछ इतनी डिस्टेंस बन चुकी है। तो गाइस, अब मैं इसको बोलने आ रहा हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। देखते हैं सुनाई देता है या नहीं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ओ भाई, तो रियल में भाई ये काम कर रहा है, मतलब कि बचपन में भी हम सही सुनते थे, अब ये कुछ बोलता है। गाइस, देखते हैं मेरे को सुनाई देता है या नहीं। इसकी इस वीडियो को लाइक करो। इसने बोला है गाइस, इस वीडियो को लाइक करो और मेरे चैनल को यानी अगली ब्लॉग को सब्सक्राइब करो। तो दोनों ने हमने सेम ही बात बोली है, क्योंकि गाइस हम भी चाहते हैं आप हमें सपोर्ट करो, जिससे हम ऐसा बढ़िया कंटेंट और ला सके। तो गाइस, ये मिथ तो एकदम सही जाता है यानी कंफर्म। अब चलते हैं हम बिना किसी देरी के अपने नेक्स्ट मिथ की तरफ। तो गाइस, अब हमारा अगला मिथ है कि हम इस गुब्बारे को इस संतरे के छिलके की मदद से फोड़ सकते हैं, मतलब इसके अंदर से एक रस निकलता है जिससे बचपन में हम काफी ज्यादा खेला करते थे कुछ ऐसे। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। तो चलो ट्राई करते हैं, ये मिथ कंफर्म है या फिर बस। ये आपके सामने गुब्बारा, ये छिलका है, एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो भाई लिटरली ये फूट गया, मेरे को तो इस पर हल्का सा भी भरोसा नहीं था कि ये फूट जाएगा। इसी के संग ये मिथ होता है हमारा कंफर्म, और हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे नेक्स्ट मिथ की तरफ। चल फिर। तो गाइस, आ गए हम एक नई लोकेशन पे अपने एक नए मिथ को ट्राई करने, और हमारा ये वाला मिथ है कि हम पानी से भरे हुए बैलून को माचिस से नहीं जला सकते। तो इस मिथ को ट्राई करते हैं, जिसके लिए हम लेकर आए पानी से भरा हुआ बैलून और माचिस। तो गाइस, ये तो हमारा गुब्बारा फूटा नहीं, इसके ऊपर काले से कलर की लेयर आ गई, जैसा कि मिथ में था। तो यार मिथ होता कंफर्म। तो गाइस, जो हमारा अगला मिथ है वो है, आप इस वीडियो पर 1000 लाइक कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। ये कैसा मिथ है, मेरे को तो नहीं लगता है कि ये मिथ कंफर्म होने वाला है। तो आप इस वीडियो पर 1000 लाइक कराओ और इस मिथ को बस्ट करो, और मैं चलता हूँ अपने नेक्स्ट मिथ को ट्राई करने। चल आ गया। हाँ, तो अगला मिथ है कि अगर हम इन दोनों बुक को इंटरलॉक कर दें तो हम इसे कभी खोल नहीं पाएंगे। क्या बात कर रहा है, लॉक कर दें अन्यथा ताले चाबी से लॉक कर दें। क्या जोक मारा भाई। चलो कोई बात नहीं, सीधा मिथ ट्राई करते हैं। आए तीन के भाई, मुझे माफ कर दो, सॉरी भाई, मैं से गलती हूँ भाई। चलो मिथ ट्राई करते हैं सीधा। तो सबसे पहले हमें इन दो बुक को आपस में जोड़ना है। तो गाइस, इसे मेरी ताकत का भी पता नहीं है, सिर्फ दो उंगली, ये दो अंगूठे से ऐसे पकड़ूंगा और अलग करूं। करके दिखा। नहीं हुआ। एक बार गाइस दोनों ट्राई कर लेते हैं इसे। उसकी माँ। गाइस, हमारा ये हाल हो चुका है। तो ये मिथ हो गया हमारा कंफर्म, चलते अपने नेक्स्ट मिथ की तरफ। गंदी हो गई बाबू तू।
कोई बात नहीं बाबू। क्या कर रहे हैं यार तू? तो गाइस हमारा अगले मिथ को ट्राई करने के लिए हमें हमारे घर में आना पड़ा, क्योंकि वो मिथ थोड़े घरेलू टाइप का है और वो घर में हो सकता है। और जो हमारा अब मिथ है वो है कि हम उल्टे होकर पानी को नहीं पी सकते। मेरे हिसाब से तो हाँ नहीं पी सकते। पी सकते नहीं। तो इस मिथ को ट्राई करने के लिए मैं आ गया हूँ बेड पे। आएंगे ज्यादा ज्यादा देर तक। नाक से बाहर आ गया पीआर ज्यादा, ये मिथ होता बस इसको घर पे कभी ट्राई मत करना। तो गाइस जो हमारा नेक्स्ट मिथ है वो है कि हम एक फोन को अपने आलू से चार्ज कर सकते हैं। अपने आलू? सॉरी, मतलब कि एक फोन को हम आलू से चार्ज कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक आलू चाहिए और फोन की लीड चाहिए और एक फोन चाहिए। ये रहा फोन हमारा लाखों पुराने बाबा आदम के जमाने का। ये फोन किसी टाइम पे शाहजहां ने इस्तेमाल करा था। ये रहा आलू, ये रहा हमारा चार्जर, चार्ज करते हैं। अब हमने ये लगा दिया। Oh guys, जैसा कि मैंने सोचा था ये तो चार्ज ही नहीं हुआ हमारा फोन। तो गाइस इस वाले मेथ को ट्राई करने के लिए चाहिए हमें पेंसिल, कॉपी और एक ये बलून, क्योंकि अगला मेथ का कहना है कि हम पेंसिल को इस बलून की मदद से मिटा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर कुछ लिखने वाला हूँ। क्या लिखो बता? अपनी मासूम के लिए लेटर। ये कौन सी भाषा में लिख रहा है? वो गाइस तमिलियन थे ना। तो चलो हम इसके ऊपर कुछ भी लिखते हैं और मिथ को ट्राई करते हैं। अभी से मिटाने की कोशिश करते हैं इस रबड़ की मदद से, रबड़ नहीं बैलून की मदद से, जो कि रबड़ का काम करने आया है। क्या बोलता है? कुछ भी बोलता है। अगर तू ट्राई कर, मेरा पूरा साइन मिट चुका है गाइस। ये मिथ होता है हमारा कंफर्म और हम चलते हैं अपने अगले मिथ की तरफ। तो गाइस जो हमारा अगला मिथ है वो है, तो गाइस का अगला मिथ है कि साल के अंत तक इसके 1 लाख सब्सक्राइबर नहीं हो सकते। ये क्या कह रहा है ये? तो गाइस आप इस साल के अंत तक या महीने के अंत तक मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे करो और इस मिथ को करो बस्ट। और मैं बताता हूँ अगला मिथ क्या है। तो गाइस जो हमारा अगला मिथ है उसे ट्राई करने के लिए मेरे को अपनी दोस्त को लाना पड़ा आकांक्षा को, जो कि हमारी एक वीडियो के विनर भी रह चुकी है। और गाइस जो ये वाला मिथ है वो मिथ है कि लड़कियां लड़कों से ज्यादा स्ट्रांग होती है। सॉरी लड़के लड़कियों से ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। ये और चलो अब हम ट्राई करते हैं पंजा लड़ा के, क्योंकि एक ही क्लाइमेट में रहते हैं हमारा सब कुछ एक ही है, खाना पीना भी हम नॉर्मली खाते हैं। तो इससे एकदम बराबरी का मुकाबला होगा, पता लग गया कि कौन स्ट्रांग है ज्यादा। और अब हम लड़ाने वाले हैं पंजा। 3, 2, 1 ये मैं जीत गई। ये कैसे हुआ? तो कोई बात नहीं गाइस, चलते हैं मैं नेक्स्ट मिथ को ट्राई करने। तो गाइस अगला मिथ है वो कहता है कि हम केले के छिलके से फिसल सकते हैं। चलो इसे ट्राई करते हैं। तो गाइस ये रहा केले का छिलका, अब मैं ट्राई करने आ रहा हूँ क्या मैं इसके ऊपर से गिरता हूँ या फिर नहीं। इससे तो नहीं फिसला मैं। चलो एक बार ट्राई करते हैं। इस बार थोड़ा सा बहुत हम फिसले इस केले के छिलके से। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताना और आप इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।